भिंड के रौन थाना क्षेत्र के ग्राम मुरखी गांव में दो सगी बहनों की मौत हो गई। रात में बिजली गुल होने पर दोनों छप्पर के नीचे चारपाई डालकर सो रही थी, तभी अचानक दीवार गिरी जिसकी चपेट में दोनों आ गए। घटना की जानकारी लगते ही लहार एसडीएम व पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मुरखी गाँव में रहने वाली 11 साल की बेटी अनामिका और अंजलि बुधवार रात पिता अंगद सिंह दोहरे के पास सो रही थी। रात के समय अचानक बिजली बंद हो गई। रात करीब 12 बजे अंगद सिंह ने दोनों बेटियों को सोने के लिए चारपाई आंगन में छप्पर के नीचे डाल दी। छप्पर की दीवार मिट्टी की थी। दोपहर के समय बारिश होने के कारण दीवार पूरी तरह पानी से खराब हो चुकी थी। रात के 1-2 बजे के बीच अचानक दीवार गिर गई। इस दीवार के नीचे दोनों सगी बहनें दब गईं। घर में इस समय अंगद सिंह अकेला था। उसने आस पड़ोसियों को जगाया और मिट्टी को हटाया। इसके बाद देखा कि दोनों की मौत हो चुकी है। ये घटना की जानकारी लगते ही लहार एसडीएम आरए प्रजापति मौके पर पहुंचे। मृतका के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिजनों ने बताया कि दोनों पिता के साथ घर में अकेली थी। अनामिका 5वीं जबकि अंजलि प्ले स्कूल में थी। माँ सावित्री नाना के घर हैदलपुरा जालौन गई हुई थी। माँ के साथ छोटा भाई अक्षय और बहन ट्विंकल भी गई थी। लोगों ने बताया कि रात को लाइट चली गई थी तो बच्चियाँ जो है जो आगे मकान बनाया उसके पीछे हिस्से में कच्ची दीवार में सारा टाइप का डाल लेते हैं, उसमें बच्चियां सो रही थी। कल पानी गिरा था, पानी से कच्ची दीवार थी वो गीली हो गई, गीली से वो रात गई दीवार उसके नीचे दब गई। मैंने बोला घर में से कहाँ गई, और यहीं हम पड़े थे, आँख खुली तो ये देखा तो दीवार तो गिरी मिली और ये खाली मिचवा दिखाई दिया। तब मैंने सोचा कि इसी में दबी है।